नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विधानसभा से पहले कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आधारित राशन वितरण व्यवस्था 18 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। यह योजना आज पूरे प्रदेश में करने की प्लानिंग है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में कोई भी हितग्राही किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगस्त में रीवा संभाग के 4 जिलों को शामिल किया जाएगा। उपार्जन केंद्र पिछले साल 3008 थे, अब 3545 केंद्र बने। रवि विपणन वर्ष 2019-20 में 1030 गोदामों को उपार्जन केंद्र बनाया। किसानों को उपार्जन में आने वाली परेशानी को लेकर 21 जुलाई से किसान संगोष्ठी झाबुआ में शुरू करेंगे। विभाग द्वारा प्रदेश में भी किसान संगोष्ठी की जाएगी। जिन गरीब लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, वो समग्र आईडी के जरिए भी राशन ले सकेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।